तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का मर्द का बच्चा सीरीज की एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ना इस मर्द का बच्चा सीरीज की पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं आप सभी को उन सभी वीडियोस की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप सभी उन सभी वीडियोज को भी चेकआउट कर लेना, ताकि आप सभी को ना इस मर्द का बच्चा सीरीज के बारे में सब कुछ पता चल सके और ये भी पता चल सके कि इस मर्द का बच्चा सीरीज में ना आप सभी का क्या योगदान होने वाला है। भाई, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो, आज कोडी रोड्स एक बार फिर से अपनी टीम में ब्रिटिश बुलडॉग और ब्रेट द हिटमैन सर को लाए हैं। वहीं दोस्तों रोमन रेंस की टीम में ना हॉलीवुड होगन और अल्टीमेट वॉरियर्स आ रहे हैं भाई। और दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है ना, ये मेरी पिछले वीडियो के रीमैच है भाई, जहां दोस्तों मैंने अल्टीमेट वॉरियर सर की जगह ना गलती से जॉन सीना को ले लिया था भाई। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग मेरी पिछली वीडियो का रीमैच मान सकते हो, जहां पर दोस्तों कोडी रोड्स की टीम एक बार फिर से फेस करेगी भाई मेरी यानी कि ट्राइबल चीफ की टीम को। और दोस्तों स्कोर कार्ड की बात अगर मैं करूं, कोडी रोड्स की टीम के 10 पॉइंट हैं और ट्राइबल चीफ की टीम जो टीम है ना उसके हैं भाई 8 पॉइंट। और देखो इससे पिछली वीडियो में यानी कि पिछले मैच में ना मेरी टीम ने ट्राइबल चीफ की टीम ने एक पॉइंट बना लिया था, जहां पर उनके 9 पॉइंट हो गए थे। लेकिन दोस्तों पिछली वाली जो वीडियो मैंने डाली है ना, उसके पॉइंट को मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि वहां पर मुझसे गलती हुई थी, जहां मैंने दोस्तों अल्टीमेट वॉरियर सर की जगह ना जॉन सीना को ले लिया था भाई। देखो आज मैंने कोई गलती नहीं की है, सारे के सारे सुपरस्टार सेम है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस मैच को और देखते हैं फिर आज के हमारे इस मैच में ना क्या कोडी रोड्स की टीम ट्राइबल चीफ की टीम को हराती है या फिर ट्राइबल चीफ की टीम कोडी रोड्स की टीम को हराती है। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग अपना है मैच। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई, आज के इस मैच में ना क्या कोडी रोड्स की टीम एक बार फिर से ट्राइबल चीफ की टीम को हरा पाएगी भाई, या फिर ट्राइबल चीफ की टीम कोडी रोड्स की टीम को हराएगी? देखो दोनों लेजेंड सुपरस्टार ने मैच को शुरू किया है ना, और मेरे हिसाब से जो भी सुपरस्टार पहले अपने फिनिशर का इस्तेमाल करेगा, वही देखो आज अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद कर सकता है भाई। अब वो अल्टीमेट वॉरियर सर, अल्टीमेट वॉरियर तो अभी आए नहीं है ना। देखो कोडी रोड्स को टैग इतने जल्दी दे दे ब्रेट द हिटमैन सर ने, अरे यार कोडी को इतनी जल्दी टैग नहीं देना लगा भाई, हॉलीवुड हॉगन को फिनिशर लगा भाई। लेकिन कोडी रोड्स सारे के सारे चोरी वाले मूव क्यों करते हैं भाई? ये तो रिक फ्लेयर सर का मूव है, उसको कोडी रोड्स कर रहे हैं, देख रहे हो भाई। और हमेशा भाई इस चक्कर में मार खाते हैं अपने कोडी रोड्स। कोडी की भी हेल्थ जाएगी मुझे लगता है, धीरे धीरे करके कोडी की हेल्थ भी जाएगी भाई। तो हॉलीवुड होगन सर के पास मौका अच्छा है भाई कि फिनिशर लगा सकते हैं, कोडी रोड्स को फिनिशर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी नॉर्मल तरीके से मार रहे हैं ना। बहुत अच्छा, देखो नॉर्मल तरीके से मार के सुपरस्टार्स की हेल्थ को तो आप खत्म कर सकते हो, लेकिन फिनिशर वगैरह जब तक नहीं लगाओगे ना, तब तक किसी भी सुपरस्टार का एलिमिनेशन या फिर नॉकआउट होना बहुत मुश्किल है भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, ब्रिटिश बुलडॉग को नहीं देखना है यार। देखो हॉलीवुड सर यहाँ पर यही गलती कर रहे हैं, पता है फिनिशर लग, बहुत अच्छा भाई, कोडी रोड्स के दो के दो फिनिशर छीन लिए। नहीं, एक ही फिनिशर छीना है अभी तक। मेरे हिसाब से अगर दो फिनिशर रिवर्स कर देते हैं ना हॉलीवुड होगन, तो मुझे लगता है कि कोडी का एलिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कोडी ने गलती कर दी। अल्टीमेट वॉरियर सर के मुंह पर चैंटा क्यों मार दिया भाई? देखो दोस्तों मेरी पिछली वीडियो मैंने जो डाली थी ना, उस वीडियो को आप लोग मतलब एक इंजॉयमेंट की तरह ले सकते हो, ठीक है। देखो वीडियो को मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वाली वीडियो भी काफ़ी अच्छी वीडियो है भाई, लेकिन उस वीडियो को आप लोग एंटरटेनमेंट के उससे ले सकते हो, ठीक है। अच्छा ब्रेट द हिटमैन सर फिनिशर क्यों नहीं लगा रहे हैं, जबकि उनके पास मैंने फिनिशर दिया हुआ है, फिनिशर नहीं लगा रहे हैं भाई। देखो इसमें सुपरस्टार्स अगर एक दूसरे को फिनिशर नहीं लगाएंगे ना, तो उनकी टीम का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। जिस हिसाब से ये सुपरस्टार सभी खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि मुश्किल है, फिनिशर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा भाई, हॉलीवुड होगन सर ने फिनिशर लगा दिया ना, बस रिवर्स मत कर देना यार, पहला फिनिशर लगा दिया, बहुत अच्छा। लेकिन एक फिनिशर से किसी भी सुपरस्टार को कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई, कम से कम किसी भी सुपरस्टार को अगर इसमें एलिमिनेट करना है ना, तीन फिनिशर तो लगेंगे भाई। हिटमैन सर इसमें एक फिनिशर खा चुके हैं ना, अभी दो फिनिशर और खा सकते हैं भाई। लेकिन अगर हिटमैन सर इसमें ज़्यादा मार खा लेते हैं ना, तो दो फिनिशर में भी हिटमैन सर का काम हो सकता है भाई। अच्छा ओटी से रिंग के अंदर आ चुके रोमन, फिनिशर लगाना है रोमन, दो फिनिशर हैं आपके पास, स्पेयर, बहुत अच्छा भाई। अभी एक फिनिशर हिटमैन सर और खा सकते हैं, कोडी रोड्स बचाएगा, ब्रिटिश बुलडॉग कोडी ने बचा लिया यार। रोमन देखो कोडी को नहीं छेड़ना है, ठीक है, क्योंकि कोडी रोड्स लीगल सुपरस्टार नहीं है। बहुत अच्छा भाई, देखिए हिटमैन सर मुझे लगता है कि अभी फिनिशर को रिवर्स कर सकते हैं, वरना एलिमिनेशन हो गया। बहुत अच्छा भाई, देखो ओटी से रोमन ने अपना काम कर दिया है, अब बाकी की अल्टीमेट वॉरियर सर और हॉलीवुड होगन सर को अपना काम करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर वो ओटीसी की टीम में आए हैं ना, तो आज अपने आए हुए का पूरा फर्ज निभाना पड़ेगा आज इन्होंने, वरना ओटीसी की नाक कट जाएगी यार कोडी रोड्स की टीम के सामने। देखो अभी कोडी रोड्स की टीम से एक मजबूत सुपरस्टार तो एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी हाँ खुद कोडी रोड्स और ब्रिटिश बुलडॉग मैच ही बचे हुए हैं भाई, तो इनके रहते हुए मुझे लगता है कि ओटीसी के लिए मैच को जीतना बहुत टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है भाई। अच्छा रोमन फिनिशर वगैरह नहीं है ना आपके पास, तो एक काम करो हॉलीवुड होगन सर को टैग दे दो भाई, क्योंकि अगर उनको टैग दे देते हो ना,
तो मुझे लगता है कि कुछ कर सकते अल्टीमेट वॉरियर सर, बहुत अच्छा भाई ये वाले वॉरियर सर, कुछ कर सकते हैं, फिनिशर लगा सकते हैं वॉरियर सर, सिग्नेचर फिनिशर कुछ तो लगाओ भाई। अच्छा अच्छा ये वॉरियर सर ये क्या करते रहते हैं, बाप रे बाप कितने ऊपर से उठा के फेंका है भाई। वॉरियर सर को फिनिशर लगाना है, इसे फिनिशर लगाना है सर। अल्टीमेट वॉरियर गलती कर रहे हैं, पता है ब्रिटिश बुलडॉग को टैग देने का मौका नहीं देना है कोडी रोड्स को। कोडी भी पता नहीं टैग क्यों नहीं दे रहे हैं भाई, कोडी के पास मौका अच्छा है। अरे ये क्या कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग वाली पोज क्यों दे रहे हैं। अल्टीमेट वॉरियर सर का फिनिशर क्या है भाई इसमें, मुझे पता नहीं कि अल्टीमेट वॉरियर सर का फिनिशर क्या है भाई इसमें। कहीं मिलिट्री प्रेस स्लैम तो नहीं है अल्टीमेट वॉरियर सर का फिनिशर, लगता है वो वाला फिनिशर है इनके पास। अरे यार किसको टैग देने जा रहे, रोमन को फिर से टैग दे दिया। रोमन के पास अभी नहीं फिनिशर है नहीं सिग्नेचर है भाई। नेक ब्रेकर बहुत अच्छा, देखो कोडी के भी मैच से एलिमिनेट होने के चांस हैं हाँ, क्योंकि देखो कोडी भी लगभग मार खा चुके हैं लगभग, अभी दो फिनिशर हैं वैसे कोडी रोड्स के पास। तो रोमन को मेरे हिसाब से हॉलीवुड होगन सर को टैग देना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक फिनिशर और एक सिग्नेचर है भाई, और वो अपना फिनिशर सिग्नेचर लगाने में देरी कर नहीं रहे हैं भाई, तो कम से कम मेरे हिसाब से उनको एक चांस देना तो बनता है, रोमन फिनिशर देना बनता है भाई। बहुत अच्छा, रोमन अपने पास सुपरमैन पंच ले आए हैं, तो मुझे लगता है कि कोडी रोड्स का एलिमिनेशन के नज़दीक तो पहुंच सकते हैं रोमन। रोमन सुपर फिनिशर या फिर गिलेटिन कुछ तो लगा दो अपना, नहीं सुपर सिग्नेचर सॉरी, फिनिशर तो नहीं सुपर सिग्नेचर। देखो यहाँ पर कोडी गलती कर रहे हैं पता है, क्योंकि रोमन को मात्र एक सुपरमैन पंच लगाना है उनको, और कोडी रोड्स बुरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे भाई। नेक ब्रेकर लगा दिया, बहुत अच्छा, ओटीसी मार नहीं खानी है यार। बहुत अच्छा अपने कॉर्नर पर डाल दिया ना। अल्टीमेट वॉरियर सर को टैग दोगे या फिर नहीं दोगे भाई, क्लोज लाइन पे क्लोज लाइन मारे जा रहे हैं यार। देखो क्लोज लाइन नहीं मारनी है पता है, अगर जो भी कर नहीं फिर से फंसा के पिन। अभी तो किकआउट करेंगे कोडी रोड्स, डेफिनेटली किकआउट करेंगे भाई, लेकिन अगर इसी तरीके से कोडी रोड्स मार खाते रहे तो मुझे लगता नहीं कि कोडी रोड्स ज़्यादा देर तक मैच बचेंगे करके। अच्छा रोमन मुझे लगता है कि साइड वाला अपना कॉर्नर वाला स्पेयर लगाने के चक्कर में है ना, लेकिन उनके पास सुपर फिनिशर में है ना, वो नॉर्मल तरीके वाले मूव में नहीं दिया हुआ है मैंने उनको। ये कोडी कोडी कटर लगा सकते हो, फिर क्रॉस रोड भी लगा सकते हो कोडी। बाप रे बाप कोडी रोड्स कैसे कैसे मूव करते हैं भाई। बहुत अच्छा ब्रिटिश बुलडॉग को टैग दे दे, स्पेयर बनता है रोमन, स्पेयर बनता है स्पेयर। बहुत अच्छा भाई, देखो रोमन के पास चांस यहाँ पर ये अच्छा है कि वो जितने ज़्यादा हो सके ना कोडी रोड्स की टीम को सुपरस्टार्स को डैमेज करें भाई, जितना ज़्यादा डैमेज ओटीसी रोमन करेंगे ना कोडी रोड्स की टीम को, उतना ही ज़्यादा उनके मैच को जीतने की संभावना बढ़ेगी भाई। रोमन के पास अभी गिलिटिन है भाई, तो रोमन गिलिटिन क्यों नहीं लगा रहे, गिलिटिन है आपके पास, वैसे आपके पास दो अल्टीमेट लेजेंड सुपरस्टार भी हैं तो उनको भी टैग दे सकते हो रोमन। रोमन टैग बनता है, लेकिन नहीं आज तो ओटीसी अच्छा खेल रहे हैं भाई, आज बहुत अच्छा खेल रहे हैं ओटीसी अभी, लेकिन जब तक कोडी रोड्स की टीम से कोई एक सुपरस्टार और एलिमिनेट नहीं हो जाता है ना। बहुत अच्छा अल्टीमेट वॉरियर को टैग दे दिया, वॉरियर सर फिनिशर लगा दो, फिनिशर वॉरियर सर सुपर फिनिशर है क्या आपके पास। अच्छा सुपर फिनिशर नहीं है यार वॉरियर सर के पास, लेकिन टूके ने ये कैसा भेदभाव किया है भाई, वॉरियर सर को भी सुपर फिनिशर देना चाहिए था ना। देखो कोडी रोड्स को भी मैच में नहीं आना चाहिए, अगर वॉरियर सर ने फिनिशर लगा दिया ना तो कोडी का बचना मुश्किल हो जाएगा भाई। अरे क्रॉस रोड लगा दिया, क्रॉस रोड लगा दिया भाई, लेकिन एक फिनिशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम दो फिनिशर तो लगेंगे ना वॉरियर सर को एलिमिनेट करने के लिए। अच्छा रोमन ने आके क्यों बचा लिया भाई, अभी तो वॉरियर सर खुद भी खड़े हो सकते थे ना। देखो अभी रोमन की टीम में दो सुपरस्टार जो है बहुत ही मजबूत सुपरस्टार है भाई, और उनका इतनी जल्दी मैच से एलिमिनेट होने के चांस लगते नहीं है, लेकिन वॉरियर सर को फिनिशर लगाना पड़ेगा भाई, अगर फिनिशर नहीं लगाए तो मुझे लगता है कि आज अमेरिकन नाइटमेयर अपना 11वां पॉइंट भी बनाएंगे भाई, और अगर 11वां पॉइंट भी बनाएंगे तो मुझे लगता है कि एलिमिनेशन हो जाएगा फिर। वॉरियर सर कुछ तो करो, अब तक कुछ तो लेजेंडपना दिखाओ यार, मार पे मार खाए जा रहे हो। बहुत अच्छा भाई वॉरियर सर के पास फिनिशर है, लेकिन फिनिशर है क्या इनका, वॉरियर सर का फिनिशर क्या है मुझे देखना है भाई। अच्छा मुझे लगता है कि कुछ ऐसा वाला फिनिशर, अरे सिग्नेचर है वॉरियर सर, सिग्नेचर आ गया आपके पास। अरे यार गलती कर दी यहाँ पर, कोडी रोड्स को टैग देने का मौका नहीं देना है भाई इस चक्कर में, तो कोडी रोड्स मुझे लगता है कि मैच को पूरी तरीके से अपने पास ले जाएंगे खींच के। रिवर्स कर दिया कोडी रोड्स ने, देखो वॉरियर सर के पास सिग्नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिनिशर बहुत बेकार है वॉरियर सर के पास, क्योंकि तीन फिनिशर और एक सिग्नेचर होने के बावजूद भी अभी तक कोडी रोड्स को एक भी फिनिशर सिग्नेचर नहीं लगाया यार इन्होंने, कब लगाएंगे फिनिशर सिग्नेचर भाई। मुझे लगता है कि वॉरियर सर आज अपने फिनिशर और सिग्नेचर को ना अपने साथ ही ले जाने वाले हैं। बहुत अच्छा क्लोज लाइन मार दिया, लेकिन क्लोज लाइन से फर्क पड़ेगा नहीं कुछ, कोडी बचा लेंगे वैसे भी, किकआउट करेंगे। बहुत अच्छा वॉरियर सर फिनिशर है आपके पास, सिग्नेचर है आपके पास, अगर फिनिशर सिग्नेचर नहीं लगाना है ना
तो या तो हॉलीवुड होगन को टैग दे दो या फिर रोमन को टैग दे दो भाई, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार्स के जो फिनिशर है ना बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। ये लगा दिया फिनिशर, लगा दिया भाई फिनिशर, लगा दिया बहुत अच्छा भाई। गया ब्रिटिश बुलडॉग का रेजिलेंस, गया भाई रेजिलेंस गया ब्रिटिश बुलडॉग का। अभी एक फिनिशर और बनता ब्रिटिश अल्टीमेट वॉरियर सर, यार क्या कर दिया ये। अच्छा रोमन के पास सुपरमैन पंच है भाई, तो रोमन के पास अगर सुपरमैन पंच है तो कुछ हो सकता है भाई। रोमन गिलिटिन भी लगा सकते थे यार, ओटीसी को लगा दिया, ओटीसी गए मुझे लग रहा है, ओटीसी को लगा दिया। लेकिन ओटीसी के पास अभी हेल्थ बहुत ज्यादा है, तो एलिमिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन कोडी की टीम से दोनों के दोनों सुपरस्टार्स का एलिमिनेशन हो सकता है भाई। फंसा के पिन कर रहे हैं, गए ब्रिटिश बुलडॉग, गए मैच से ब्रिटिश बुलडॉग गए, क्योंकि इस समय पे उनके पास रेजिलेंस नहीं है भाई। रोमन ने बड़ा अच्छा काम किया है भाई, अब अकेले मात्र कोडी रोड्स बचे, रोमन फिनिशर रिवर्स कर दो यार। लगा दिया ओटीसी को, एलिमिनेट कर दिया मैच से भाई। अल्टीमेट वॉरियर सर को जितना जल्दी उसी के फिनिशर लगाना पड़ेगा। मुंह पे खा लिया त्रादे भैया ने भी, मार खा लिया कोडी से। देखो अल्टीमेट वॉरियर सर के पास मौका अच्छा है भाई, क्योंकि उनके पास दो फिनिशर हैं भाई, दो फिनिशर में से कम एक फिनिशर तो बनता है ना यार वॉरियर सर। अब अगर वॉरियर सर ने अपने फिनिशर का इस्तेमाल नहीं किया तो मेरी टीम को हारने से कोई नहीं बचा सकता। वॉरियर सर भी गए मैच से, रेजिलेंस है बचा लेगा क्या? ना, अभी तो होगन सर भी नहीं बचा सकते यार। रेजिलेंस है भाई यार। अल्टीमेट वॉरियर सर का फिनिशर बहुत ही बोरिंग है भाई, बहुत ही बोरिंग फिनिशर है अल्टीमेट वॉरियर सर का। अब अगर आप लोग वोटिंग करोगे ना तो अल्टीमेट वॉरियर सर के ही एलिमिनेशन की वोटिंग करना भाई, क्योंकि हॉलीवुड होगन सर भी अच्छा खेलते हैं लेकिन अल्टीमेट वॉरियर सर उतना अच्छा नहीं खेलते हैं भाई। भले लेजेंड सुपरस्टार है ना, उसके बावजूद भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं यार। फिनिशर लगा सकते हैं वॉरियर सर, फिनिशर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, नॉर्मल तरीके से पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा हॉलीवुड होगन को टैग दे दिया, कुछ करेंगे होगन सर? अच्छा होगन सर फिनिशर है आपके पास, लगा दिया बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर कोडी रोड्स का एलिमिनेशन हो सकता है, कोडी गई मैच से यार, रेजिलेंस गई अपने अमेरिकन नाइटमेयर की, रेजिलेंस जा सकती है। राधे भैया पिन कर रहे 1-2, रेजिलेंस के बिना किक आउट कर दिया यार। अरे फंसा के पिन कर रहे हैं, लेकिन फंसा के पिन होगा नहीं। अभी होगन सर के पास बहुत ही ज्यादा हेल्थ है भाई। होगन सर फिनिशर है आपके पास, तो एक फिनिशर है जो वॉरियर सर को टैग नहीं देना है भाई। ये खामखा वीडियो की लेंथ को बढ़ा रहे हैं वॉरियर सर। कोडी तुम्हें फिनिशर लगा दो, कोडी के पास कुछ है? देखो कोडी के पास फिनिशर आने वाला है भाई, और वॉरियर सर के पास सिग्नेचर है, सिग्नेचर लगा दिया तो मुझे लगता है कि अगर सिग्नेचर छीन लिया यार, अगर सिग्नेचर कनेक्ट कर देते ना तो मुझे लगता है कि कोडी रोड्स का एलिमिनेशन कर देते, कोडी करेंगे वॉरियर सर का एलिमिनेशन। अब तो होगन सर बचे हुए हैं अकेले, फिनिशर लगाना पड़ेगा होगन सर ने जितनी जल्दी हो सके भाई। होगन सर फिनिशर लगा दो, फिनिशर। अच्छा फिनिशर लगा देते अगर होगन सर तो मुझे लगता है कि अमेरिकन नाइटमेयर किकआउट तो छोड़ो नॉकआउट हो जाएंगे मैच से, पर हमें लगाना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, कंधे दबा दिए भाई, बहुत दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है भाई ऐसे। अच्छा हॉलीवुड होगन सर फिनिशर लगाने का क्या लोगे बताओ? हॉलीवुड में कितनी मूवीज लोगे बता दो बस, अगर एक फिनिशर लगा देते हो ना मुझे लगता है कि आप कोडी रोड्स का एलिमिनेशन कर सकते हो भाई। अच्छा ऐसे भी तो फिनिशर लगा सकते हैं ना, लगा दिया फिनिशर और कोडी रोड्स गए, मुझे लगता है कोडी रोड्स का एलिमिनेशन हो गया भाई। अच्छा होगन सर अभी फिनिशर वगैरह बहुत अच्छा भाई आज देखो, पिछले मैच में भी मेरी टीम ही जीती थी और इस वाले मैच में भी मेरी ही टीम जीती है भाई, और आज कोई भी मैच में अनफेयर नहीं हुआ है, ना ही किसी सुपरस्टार की मैंने अदला बदली की है भाई, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों आज का जो हमारा मैच है ना वो यहीं तक। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, फिट रहो, हिट रहो, टाटा बाय बाय।